वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज है 4th of September और मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। मतलब हम दो लोग हैं ना रूममेट एक साथ और हमारा सेम टाइमिंग हो गया, उस चक्कर में लेट हो गया भाई साहब। तो मैं नीचे वाले रूम का वॉशरूम यूज़ करके नहा के अभी निकली हूँ। 8:40 की बस है और अभी तक तो कोई दिख नहीं रहा, बट पीपल हैज़ टू स्टैंड देयर। वो अगर छूट गए तो फिर 9:50 की है डायरेक्ट, जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि मेरा 9:30 का लेक्चर है। 8:40 वाली से जाना बेटर रहता है, जल्दी भले पहुंच जाते लेकिन ऑन टाइम होती है। उस चक्कर में अभी रुकी हूँ बस के लिए। फिर रुक के मतलब पता है, मैंने सुबह उठ के ना टिफ़िन पहले भर लिया, मैंने सोचा है उसमें भी टाइम जाएगा मेरा, तो जो मेरे को जम सकेगा वो सब कर लूँगी, फिर वो करके मैं रेडी हूँ। अभी देखते हैं। कॉलेज में 9:30 बजे पहुँच गई थी और 10 बजते ही कॉलेज में हमारे वोटिंग होने वाली थी CR और LR की, जिसमें आप जितने भी लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं ये सारे उस पर चुनाव में खड़े हुए थे। और उसके बाद सारा डिस्कशन हुआ, इन लोगों ने अपने बारे में बताया कि ये लोग हमको क्या ऑफ़र करने वाले हैं। और फिर उसके बाद होती है वोटिंग स्टार्ट, जिसमें बहुत लोगों ने वोट किया। उसके बाद जब रिज़ल्ट आने लगा तो रिज़ल्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा सब लोग एक्साइटेड थे। और उसके बाद ये जो लड़की आप देख पा रहे हैं अभी, इसमें ये जो आ रही है इसका नाम है आर्या। आर्या ही आज क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनी थी। उसके बाद हमारा हुआ पी स्टडीज़ का लेक्चर। पी स्टडीज़ के लेक्चर में हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें की, डिसिप्लिन के बारे में, फिर उसके बाद गुड हैबिट्स बैड हैबिट्स के बारे में, ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमारे जीवन में हमको हेल्पफुल है कुछ हैबिट्स, और ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जो हमारे लाइफ में हमको यूज़फुल नहीं है। उसके बाद हमारा हेल्थ कैंप हुआ। हेल्थ कैंप में हमारा पूरी बॉडी चेकअप हुआ कि हमारी हेल्थ सही है या नहीं। कुल मिलाकर आज लेक्चर्स नहीं हुए और कॉलेज में कुछ भी नहीं था ऐसे दिखाने लायक जो मैं आपको दिखाती। लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे ये पूछा हुआ है कि मैं हॉस्टल में रहती हूँ तो मेरा हॉस्टल दिखता कैसे, तो चलो यार आज तुमको हॉस्टल टूर दिखा देती हूँ। मैं दिखा देती हूँ हॉस्टल है कैसा और हॉस्टल में क्या क्या है इन डेप्थ। ओके, डेप्थ में बताऊँगी मैं, डेप्थ में पूरा कि यहाँ पर क्या होता है वहाँ पर क्या होता है सब बताऊँगी। चलो चलते हैं। बाहर से ऐसे दिखता है, ये हमारे वॉचमैन अंकल हैं। हाय बोल दीजिए। चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं कैसा है। हाँ, खाना शाम को। हाँ, तो सबसे पहले जैसे हम अंदर आते हैं हमको यहाँ पे साइन करना पड़ता है पहले कि हमने इस समय एंट्री कर ली है। यहाँ पे बहुत लोगों के पार्सल्स आ जाते हैं, वॉचमैन अंकल बहुत ही अच्छे से रखते हैं, जिसका भी पार्सल है वो लेके चला जाता है। साइन करके फिर वी कम इनसाइड। अंदर आने के बाद आपके पास ऐसी एरिया होती है जहाँ पे आप बात कर सकते हो, यहाँ पे आप चिल कर सकते हो। यहाँ पे हमारे मैम का ऑफिस है। यस, यहाँ पे आके रिसेप्शन में बैठ के आप सारी इंक्वायरी कर सकते हो। फिर ये बाहर से कुछ ऐसे दिखता है, ये कुछ झूला है। हेलो, जस्ट आप यहाँ पे आके चिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ मिरर है, फिर ये एक विंग है, दिस इज ए विंग। ये एरिया आ जाता है वॉशिंग मशीन सिस्टम, यहाँ पे आप अपने कपड़े धो सकते हो। कपड़े यहाँ पे धो के यहाँ पे सुखा भी सकते हैं। यस, उसके बाद ये पानी का सिस्टम लगा हुआ है, ठंडा गर्म पानी। यहाँ छोटा मंदिर है, यहाँ पे आप हाथ जोड़ के सुबह निकल सकते हैं। ये वाला एरिया जो है ये चिल करने का है, लाइक बैठो आराम से मज़े करो, खाना लेके आके हम यहाँ पे खा भी लेते हैं कई बार, ये वर्क कर लेता है हमारे डाइनिंग टेबल के जैसे। ये हमारा कंप्यूटर रूम बनने वाला है, आई थिंक, आई डोंट नो, ये स्टडी रूम बनने वाला है, पता नहीं क्या है, अभी तक नहीं बना है। PCs आएंगे शायद यहाँ पे। और ये कुछ एक्स्ट्रा कपाट रखे हुए हैं जो अगर किसी के रूम में कम पड़ते हैं तो ये लगा सकते हैं वहाँ पर। फिर से अगेन एक पानी, फिर बीविंग आता है, यहाँ पर आप बीविंग में जा सकते हैं। Let me know in the comment section if you want to see people who stay in weaving. ये फ्रिज है, इसमें रख सकते हैं कोई सामान। ये कोई एरिया है, ये हमारे वार्डन मैम है। ये एरिया है अगेन, ये बीन बैग, चिल कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, यहाँ पर टेनिस खेल सकते हैं। उसके बाद ये आ जाता है विला, वे टू जिम। एक्चुअली ये सी विंग कहना चाहिए था लेकिन इसको विला बुलाया जाता है क्योंकि इसमें जिम है, और जिम भी दिखा दूँगी। तो ये सी विंग है, इसमें सिर्फ दो ही फ्लोर है, बाकी सब में 6-7 फ्लोर हैं जो भी।
अभी पहले इसके पहले दिखा देती हूँ कुछ और। अच्छा नहीं, चलो चलो जिम दिखाती हूँ पहले। जिम यहाँ से हम वहीं आ गए जहाँ से हम निकले थे। ये अपना रूम है, ये अपना रूम है, ये अपनी रूममेट। और अब यहाँ से हम ऊपर चलेंगे तो हमारा जिम आ जाएगा। जिम दिखाती हूँ। ये देखिए जिम, ये यहाँ जिम है, ये साइकिलिंग ट्रेडमिल, ये भी है लेकिन वो मशीन है। अगेन मिरर, मिरर की कमी नहीं है, अपने आप को देखा जा सकता है कि आप कैसे लग रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से एक और थोड़ा स्पेस है जो ओपन हो रहा है, यहाँ भी आप आके थोड़ा सा टहल सकते हैं। तो इसके अंदर जिम, ये एरिया लग रही है। हम इसमें जल्द ही यहाँ पे कहीं वीडियो ज़रूर बनाएंगे क्योंकि ये जगह बहुत अच्छी लग रही है, ओपन स्पेस है। अभी तो नहीं बट दिन में लाइटिंग भी अच्छी आ रही होगी तो हाँ, तो यहाँ पे हम वीडियोस बना सकते हैं। चलते हैं नीचे। खाना बना रहा है तो बड़ी स्मेल आ रही है, खाने की मतलब वो आती है ना तेलकट सी स्मेल, वैसी आ रही है। अच्छा तो ये था, ये जिम है और इसके बाद नीचे डाइनिंग एरिया दिखा दूँगी, खाना आएगा वहाँ पर। पहले मैं ऐसे ही दिखा देती हूँ, फिर जब खाना आएगा तो भी दिखा देंगे, है ना। चलो फ्रिज है यहाँ पे, आप रख सकते हैं आपको जो चाहे। आगे बस कुछ एक्स्ट्रा सामान है। ये है डाइनिंग एरिया, इन डब्बों में खाना आता है, आता है मतलब दूसरे मेस से खाना आता है। पहले देख लो ये डाइनिंग एरिया है, यहाँ पे हम बैठ के खाते हैं और यहाँ पे सारा खाना पलटी किया जाता है। इसके अंदर, इन सब के अंदर खाना पलटी होता है। हमारे पास वो भी है इंडक्शन, अगर आपको कुछ बनाना है तो बना सकते हैं। प्लेट्स हैं, थाली हैं, मिर्च पाउडर, सॉसेस, सब कुछ है, अचार सब 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 यहाँ पर मौजूद है, शक्कर भी है। ये है कि यहाँ पे खाना दूसरे मेस से आता है और इसमें पलटी होता है और उसके बाद ये जो खाना रहता है इन डब्बों में पलटी होता है और फिर हमको खाना मिलता है। यस करेक्ट। तो फिर हम खाते हैं। अभी मैंने आपको ऐसे दिखा दिया, शाम को मैं आपको एकदम सजा हुआ दिखा दूंगी जहाँ पे लड़कियाँ सब बैठ। ये देखो ये बिल्ली हमेशा यहीं रहती है, लोग इसको बहुत खाना पिला खिलाते हैं। ये देखो यहाँ पे इनके सब रखा हुआ है, खाती है आराम से, बैठती है, बढ़िया है ना। बाय। ये यहाँ पे बेसिन है, हैंड वॉश रखा हुआ है, डस्टबिन रखा हुआ है, सारी सुविधा है। ये अगेन यहाँ पे मिरर, मिरर की कमी नहीं है, आराम से आप अपने आप को हर जगह देख सकते हैं। और ये यहाँ आप देख सकते हैं, ऐसा लगता है कुछ मेस जब यहाँ लोग बैठकर खाना खाते हैं, रात को सारे इकट्ठा होकर बैठकर यहीं पे खाना खाते हैं। या दैट इज़ इट फॉर द वीडियो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।